अब हम लोग चाय वाय नाश्ता करने के बाद, नाजा के बाद नाश्ता होने के बाद हम लोग आ गए गोमती नगर 10:90। ये रहना संजय भाई पतंग का शौक कर रहे हैं, इनकी 10-12 पतंग कट चुकी है और ये पूरा ग्राउंड है बहुत बढ़िया, क्रिकेट भी हो रहा है, ग्रीनरी है, पतंगबाजी हो रही है। बनारस से एक टीम आई है, भारत का एक क्लब, बनारस से भारत आया है, वो तो लखनऊ का भारत है, बनारस के फोर्स आई है, सारे मेंबर हैं, बढ़िया शौक होता है यहाँ। कुछ और मेंबर बैठे हुए, ये सब भारत लखनऊ काइट क्लब के मेंबर हैं। जॉगिंग भी चल रही है और कानू भाई वो देखिए आगे चले गए कहीं, पता नहीं आगे क्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने चले गए क्या संजय भाई? कानू भाई नदी उतनी गहरी नहीं है, ये डूबेंगे पानी बाहर। हाँ। कानू भाई आगे जा रहे हैं नदी को देखने के लिए लो। और यहाँ पतंगबाजी का हो रहा है शौक, तो पूरा दिन निकल गया है, सिस्टम के लिए गए थे उसका तो अभी कुछ हो नहीं पाया है, देखते हैं मैनेज करते हैं किसी तरीके से। ये देखिए हमारे कानू भाई सुसू करने गए थे झाड़ियों में। ये सुसू करके आ रहे हैं, सुसू कर लिया, हो गया सुसू। सुसू में धार देखिए, धार कितनी, इन्होंने थोड़ा सा निकाला, वो देखिए पानी इतनी तेज हो गया। ट्रेन जा रही, कितनी देर में लड़ा पेच गड्ढे है ना, इस वजह से गड्ढे तो यहाँ है ही सब, गड्ढे लड़ाने वाले भी सब। उधर क्या, उधर दूसरा ग्राउंड है, दो ग्राउंड है यहाँ। ये देखिए दो लूटी जा रही, ये एक टीम ये खड़ी हुई है। बनारस कट गया, डोर गिरी है, ये लोग कुछ नहीं छोड़ते भैया। अमित तोता मैं ना नीचे गेम एंड, अंधेरा हो गया, लाइटें खुल गई, अब चलते हैं ग्राउंड से, देखते हैं अब कहाँ जाना होगा। मोटू जी के साथ, मोटू बहुत भूखे हैं हमारे अमित भाई, कुछ ना कुछ खाया करते हैं, भूख लगी, दौड़ा रहे हैं आप सुबह से, पूछ तो रहे हैं। न्यू आवाज बिरयानी कॉर्नर, दैनिक जागरण चौरा, ये देखिए फॉर्च्यून बिल्डिंग और ये है दैनिक जागरण चौराहा हजरतगंज। खाते हुए चल रहे हैं, सिस्टम तो हो नहीं पाया है, देख ही लिया, एस्टिमेट ले लिया है, अब देखते हैं एक दो दिन में और जगह से पता करते हैं और फिर उसके बाद फिर लेंगे जी। तुम भी खाओगे? खा लो भैया, खा लो याली भी, तुम ही खाओगे? तुम रोके हुए हैं, तुम पहले वाली खा लो, फिर ये खाना। बिरयानी खा लिए दो प्लेट, उसके बाद पानी भी पूरा पी रहे हैं। अरे यार हद खत्म है, बहुत खा रहे हो यार। फॉर्च्यूनर ले लीजिए बड़े भाई, हाँ बस छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं लेते हम, जब लेंगे तो सीधे हम एरोप्लेन ही लेंगे। वाओ, अब देखो रोड क्रॉस करके आना पड़ता है, एरोप्लेन ले लोगे तो उड़ के इधर आ जाओगे। चलते तो सभी हैं, आप उड़िए घुमा के फिर हम लोग आ गए फिरोज भाई के। फिरोज भाई आपकी क्लासेस खत्म हो गई क्या? सारी क्लासेस खत्म हो गई, बच्चों की क्लासेस खत्म हो गई। तो ये था आज के पूरा दिन का व्लॉग, और अमित भाई ने ना हमको लैपटॉप दिलवाया, ना कुछ दिलवाया, ना सिस्टम दिलवाया, अमित भाई अच्छे नहीं हैं। अब हम लोग चलते हैं घर भैया, बाय बाय टाटा, देखते हैं क्या होगा अब अगले दिन, सिस्टम आएगा, आप लोग की वीडियो बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तो आज मंडे है और मंडे की मॉर्निंग है, करीब बजा है 10:05 है और सिस्टम देख रहे हैं पीछे किसी तरह से रेंडरिंग हो रही है फाइल, और ये गेम बना रहे थे हम मुगल शहनशाही का और लखनऊ के इंडियन से लगा था, तो गेम तो बन जा रहा है लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब पे थंबनेल लगता है, फ़ोटोज़ लगती हैं, वो सब नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसके लिए फ़ोटोशॉप या और सॉफ्टवेयर चाहिए
जो कि अभी सिस्टम पे रन करना बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से गेम बना के जो वीडियोस हैं वो तो पड़ जा रही है और ऑटोमेटिक थंबनेल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ रहा है। आज जाएंगे मार्केट, जो आपने इससे पहले वीडियो देखी थी यूनिवर्सल हम लोग गए थे तो वहाँ का जो एस्टीमेट था बहुत बढ़िया था, तो वहीं जाएंगे। कुछ बजट है, हिसाब है, बना लिया है, कुछ पैसे कलेक्ट कर लिए और देखते हैं नया सिस्टम असेंबल होने के बाद कैसा रन करता है, क्या रहता है। और जिसको सिस्टम असेंबल कराना है उसके लिए वीडियो बहुत काम आएगी कि क्या क्या मैंने लगवाया। वैसे मैंने आपको जो एस्टीमेट था वो तो दिखा दिया, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो पूरा दिन आज इसी में फिर जाने वाला है, कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। ये खाली एक गेम था जो दिल्ली वर्सेस लखनऊ का हुआ था, जो मेरे दूसरे चैनल के लिए है, काइट जोन पतंग वाला चैनल, तो उसको मैंने किसी तरह से एडिट करा है सिस्टम पे। और क्योंकि बाबा सिस्टम बंद हो रहा था, अब थोड़ी देर रुका है तो उस पर काम बन गया है। रात में बैठ के पूरी एडिटिंग कर ली जब तक सिस्टम चलता रहा। तो निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं मार्केट में, तो निकलते हैं लेकिन पूरे दिन की एक्टिविटी देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे शाम को जाना है और दिन में भी कुछ काम है, लोगों से मिलना है। तो मिलते हैं और शाम को पहुँचते हैं और सिस्टम असेंबल कराते हैं। देखते रहिए क्या क्या होता है आज पूरे दिन। तो पहले मम्मी की दवा ले ले, हम लोग आ गए उस्मान भाई की मेडिकल शॉप पे। और ये उस्मान भाई ये एसी के मेंबर हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं यहाँ से। जेबू भाई खाली कुछ चीज़ें लेते हैं। ठाकुरगंज में उस्मान भाई कौन सा एरिया पड़ता है ये अंदर वाला ठाकुरगंज में? मुसाबगंज चौराहा। तो ये दवाइयाँ हैं ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैदान जाना है, सिस्टम भी असेंबल कराना है, बहुत से काम है, इसीलिए नए गेम नहीं बना पा रहे हैं। पहले पुराने गेम एडिट कर ले उसके बाद नए गेम देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैदान आए हैं, यहाँ से हो सकता है दूसरे मैदान भी जाए। और ये देखिए कोलकाता की टीम आई है, सारे मेंबर पतंग को तैयार कर रहे हैं। कोलकाता की बढ़िया टीम है बैन काइट क्लब, और उसके अमजद भाई पतंग को तैयार कर रहे हैं, बाकी ये मेंबर हैं। और गेम लड़ रहा है शकील भाई से, गाजी काइट क्लब से, गाजी के सारे मेंबर, रब्बास भाई भी हैं, शकील भाई भी हैं, और भी सारे मेंबर हैं ढेरी, पतंग को तैयार कर रहे हैं। लेकिन गेम यहाँ नहीं कवर करेंगे, आप जानते हैं ये तो वीलॉग वाला चैनल है और इतनी मेमोरी मोबाइल में बची नहीं कि पूरा गेम कवर कर पाए। तो निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से, भी देखते हैं कहाँ चलना होगा। और साइड में भी एक गेम लड़ रहा है आरके बोस का भी, शिव मंदिर ग्राउंड से ये गेम हो रहा है। आरके बोस का भी दिल्ली की किसी टीम से गेम हो रहा है, आरके बोस के भी सारे मेंबर आ रहे हैं। ये देखिए पीछे भवंडर भी आ गया है। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं नादरगंज, ये हमारे कानू भाई लड़ा रहे हैं बंद मक्खन वाला पेज। एक्सट्रीम काइट क्लब की तरफ हम लोग खड़े हुए हैं, ये सारे मेंबर हैं एक्सट्रीम के, गुरजीत भाई हाई कहते हुए, बाकी मेंबर पतंग को तैयार कर रहे हैं। रिंकू भाई कैप्टन है, नीचे बैठे हुए हैं, आज थोड़ा सा पेड़ सही नहीं है रिंकू भाई का। और अपोजिट में है मॉडर्न शटर के मेंबर, गेम लड़ रहा है। उसके बाद शाम को यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे नाजा, असेंबल कराएंगे अपना सिस्टम। और ये देखिए ताकत से झटके मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे, अभी मार रहे हैं, काट दिया उसकी, टूट गई बेटा, टूट गई, बच गए तो आप बंद मक्खन बच गए, लेकिन चाय पिलाओगे। कानू भाई है ये, जिन्होंने रॉ क्लब में लड़ाया था सैफी टूर्नामेंट में। ये देखिए कितना खुश, ये देखिए बिना पूछे गोल्डी भाई धीरे धीरे थूकने जा रहे थे यार, तड़ाने थोड़ी जा रहे थे, आगे बढ़ के थूक रहे थे यार, तो उन्होंने डर गए सुबह से। अरे दे दो यार सनी, अरे गोल्डी भाई को चांस दे दो यार, सुन ही नहीं रहे, नीचे की चांस मांगो आदमी सुनता ही नहीं है। ये सारे मॉडर्न शटर के मेंबर खड़े हुए हैं, नीचे से इम्तियाज लड़ाने चले गए आगे की तरफ। ये सारे मेंबर हैं गोलू भाई, इसी में आशू भी लड़ाते हैं जो कि बीकानेर ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट में गए हुए हैं। ये मुंह छुपाते हुए अन्नू भाई, ये सनराइज़ के मेंबर हैं, बहुत बढ़िया पतंग लड़ाई थी लेकिन क्योंकि क्वार्टर फाइनल में हार गए तो इसे थोड़ा मुँह छुपा रहे हैं। इधर हमारे खलील भाई, बाकी मेंबर्स देखिए, खलील भाई को देख लीजिए यार, ये सारे मेंबर हैं और इम्तियाज आगे लड़ा रहे हैं नीचे का पेज। कट गए, ओह माय गॉड, कट गए। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है, आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ दिन भर टहल रहे हैं, क्या करें मजबूरी है, टहलते टहलते ही काम बन रहा है। अब यहाँ से निकलेंगे नाजा मार्केट के लिए और वहाँ चल के अपना सिस्टम असेंबल कराएंगे। अन्नू भाई लोग कह रहे हैं मुंह तो दिखा दे, कमेंट आ रहा है, दिखाने लायक है नहीं, लोगों ने कहा दिख ना जाना, कहीं कहीं टीवी पे भी ना दिख जाना, ना यूट्यूब पे दिख जाना। कैप्टन है गुट्टू भाई, वो झाड़ू कुचरा बर्तन सब लेकर ढूंढ रहे आई नहीं मोहल्ले में, तो हंसी मजाक चल रहा है। और मॉडर्न शटर काइट क्लब लखनऊ की तरफ है हम लोग, और आगे भी हिम गोल्ड काइट क्लब लड़ रहा है जो कि परदेसी गेम लड़ रहा है कोलकाता की टीम से।
रेड कार जिधर है उधर कोलकाता की टीम है और इधर हिमगोल के मेंबर है। नादरगंज ग्राउंड है बढ़िया। ये हमारे अहमद भाई कैप्टन वाली टोपी लगा के बढ़ते हुए ऊपर का पेज लड़ाने की। तो अब देख लेते हैं अब्दुल्ला भाई क्या करेंगे, झटके मारेंगे खींचेंगे। हमारे झटके वाले भाई ये खड़े हैं, झटके मारते हैं, झटके वाले भाई हैं, ये झटके वाले भाई हैं हमारे। और क्या खा रहे हैं अमित भाई? तब से भूत बने तब तो नागाना छे स्मार्ट लग रहा है अमित भाई हमारे। पता लाते लाते थक गए थे, समोसा खाने आए सिर्फ समोसा खाते हैं। नहीं नहीं चाय में आ गए थे ना भैया, तीन पे जो भी कटे। अच्छा ये भी है क्या जी भैया? चाय लेना है, चाय लेना है भैया। आज असेंबल कराओगे कि नहीं कराओगे? आज हो जाएगा बड़े भाई, आज हो जाएगा। सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है असेंबल कराने का। तुम गेम डालना जितने जितने भाई लोगों गेम बना है सब एक ही साथ एक साथ। अबे इसका कंप्यूटर बन जाएगा तुम्हारा आधे आधे घंटे में गेम। इधर पूरा दिन काटने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं। अमन भाई लगे हुए हैं सीट पे, कोई और बैठा हुआ है। हमें क्या लगा दिया क्या आने से पहले ही? सही बताओ, बिल्कुल आपने कहा हमने असेंबली कर लेते हैं। सही बताओ, मजाक ना करो यार, आज बहुत ज्यादा रश है ना, चौथा पीसी आपका पांचवा होगा बाकी इसके बाद होगा ना मेरा। हाँ हमका मैं आने से पहले लगा दिया यार, क्या पता कुछ चेंज होना होता तो भैया असेंबल करना, मैं ये कार चलाऊंगा यार। तुम कसम से भाई बताओ तो, 100 रुपये घंटा है मुझे तो हम दे देंगे, 100 रुपये घंटा दे देंगे, ले लो पहले। बैठो भैया बैठो, स्टूल खाली है, चाय पिए देख खाली होगी कुर्सी, बैठ जाओ। नहीं यार अमन भाई से पूछ लो, जब तक वो असेंबल कर रहे हैं चाय पी लीजिए। किसी और का सिस्टम असेंबल हो रहा है, 3 फैन वाला। हाँ भाई क्या हाल? सब बढ़िया है, बस दुआ है आप लोग के लिए आई है। लेट कर दिया आपने भाई, लेट नहीं कर दिया, पैसों ने लेट कर दिया। जब तक पैसे नहीं तब तक कोई काम नहीं, ये चीज है भाई। भाई साहब मुंबई जाए वो लैंड हुआ हमने तुरंत को घेर। चलिए भाई अपना लैपटॉप असेंबल, अपना सिस्टम डेस्कटॉप असेंबल होना शुरू होता है तो कंटिन्यू करते हैं। इसकी चाय पी लेंगे, इसकी चाय ना भी वो पी नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा पड़ेगी तुमको। नहीं न्यूट्रीलाइट खाते ही नहीं पड़ा। हाँ बहुत अमीर आदमी है ये। नहीं अमीर गरीब से क्या मतलब है भाई, 20 रुपए का ढक्कन 25-30 रुपए का होगा तो खाए तो आदमी एटलीस्ट अच्छी चीज खाए। आपकी तरह थोड़ी की झाड़ खा के चले आएंगे। अच्छा कैसा है भाई बन मक्खन? अगर बन मक्खन में 4 मक्खन ना लगे तो बेकार है। 4 मक्खन लगवाए नहीं तुमने? अब तुमको हो जाएगी पेचे सबसे रहना वो थोड़ी। अब वीडियो बना रहे सभी भाषा का प्रयोग करेंगे भाई, अगर आप ये खा लेंगे तो आपका नल डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा जी, रुकेगा नहीं। प्लम्बर को बुलाएंगे ना, डॉक्टर प्लम्बर यूनिवर्सल पीछे एक कैसे बल हो रहा है जॉनी सीन जाएंगे। जॉनी सीन जब तक यहाँ चाय नाश्ता कर रहे हैं। नाजा टी पॉइंट है ये, दूसरी गली में। आज की चल बहुत रही है, कैबिनेट यार दिखाना अमन भाई, 250 ही दिखाना यार, भले अंदर कैसा भी लगा हो। Q1 महंगा है तो छोड़ दीजिए, अगर सस्ता है तो कंपनी से पैसे लेंगे हम। अरे कैबिनेट अच्छा मतलब और अच्छा, ट्रांसपेरेंट ऑल साइड ट्रांसपेरेंट है। अब ये किसी और का सिस्टम असेंबल कर रहे हैं। अमन भाई किस प्राइस के अंदर ये असेंबल कर रहे हैं, कुछ आइडिया? अच्छा ओनर ये है भाई, किस रेंज तक असेंबल करा रहे हैं? 127। और किस मतलब पर्पस से गेमिंग है? वीडियो आधी किडनी बेची है, वीडियो एक अभी आधी किडनी बेची है भाई ने। अच्छा बेचना पड़ा किडनी मार भी गया तो भाई चल रहा है। अरे भाई भाई का चल रहा है भाई, कह रहे कोई बात नहीं, आधे बचा लिए, आधे बचाने के बाद आधे से सिस्टम लिया है, क्या उधार लेके बचना। किडनी में कुछ बात है, हमारी किडनी वाले ने कुछ नहीं दिया। तो गेमिंग पीसी बन रहा है,
1:27 में, 1:27 में, 1:27 में। बस करो, कितनी दूर जाओगे? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, भरवा के जाना पड़ेगा। पेट्रोल भरवा के जाना पड़ेगा। जी हमें नहीं पता भाई का, भाई कहाँ रहते हैं पूछ रहे हैं, कहाँ रहते हैं? अबे तो तुम्हारे पास तो गाड़ी चली रही है। ये भाई की शॉप है, ये उनका नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। कोई भी इंक्वायरी है कॉल करके आप पूछ सकते हैं, परेशान ना करिए, वो लेने का मन हो तभी कॉल करिए, खाली इंक्वायरी ना करते रहिए। हैं अमन भाई, खैर परेशान भी कर लीजिएगा, बिल्कुल कह रहे हैं तो फ़ोन कर लीजिएगा, खेल लीजिएगा। तुम चला हो, कितनी दूर तक पहुँचे? बहुत दूर हम चले जा रहे हैं, कहीं बहुत दूर। नाजा मार्केट जीना चढ़ के दूसरी गली में, कैंटीन के बगल में जीना चढ़ के शॉप है यूनिवर्सल। अभी भाई किसी और का सिस्टम असेंबल कर रहे हैं, देखते हैं कब फ्री होंगे, इनका तो टाइम अच्छा कट रहा है। इसको आपको अभी अपने मोबाइल पे लगाना है, टाइप सी हो। गुड जॉब, बहुत गुड जॉब।